नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका फ्रेंड मोहम्मद अखलाक आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया। और जी हाँ, और इस वीडियो का टॉपिक है होली। तो सबसे पहले आप लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। मैं इन वीडियोस को बना दूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और आज मैंने होली का टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि एक तो ये इतना ही अच्छा त्यौहार है, रंग बिरंगा त्यौहार है, और इसके थ्रू मैं लोगों को मोटिवेट भी कर दूंगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसा कि भारत के अंदर सभी जातियों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, सभी जाति के लोग रहते हैं। और इससे होली का क्या कनेक्शन है और कैसे मैं होली के त्यौहार के थ्रू आप लोगों को मोटिवेट करूंगा, मैं भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन्स पर क्लिक कर दीजिए। इसी के साथ ही अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप बहुत जल्दी हार मान लेते हो तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे दिख जाएगी। तो अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। दोबारा से मैं आप लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और एक साथ इतनी जातियों को लोगों को लेकर देश का विकास करना ही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम पूरे दुनिया के अंदर छाए हुए रहते हैं। इंडियंस, आई एम प्राउड टू बी अ इंडियन, और इंडियनों की तो बात ही अलग है। तो जैसे देखो, अगर आप होली में सिर्फ लाल रंग का इस्तेमाल करोगे और सबके ऊपर लाल रंग डालोगे तो ये होली कम और लाल रंग का त्यौहार ज़्यादा लगेगा, है ना। अगर आप सिर्फ गुलाबी रंग किसी के ऊपर डालोगे और कोई सा रंग नहीं डालोगे तो ये होली कम और सिर्फ गुलाबी रंग का त्यौहार ज़्यादा लगेगा। तो सिर्फ एक कलर से अगर आप होली खेलोगे तो हो सकता है कि वो रंग बिरंगा जो होली का मजा है ना, वो ना आ पाए, है ना। सिर्फ एक कलर में थोड़ा सा बोर से हो जाएंगे हम लोग कि अगर कोई हरा कलर ना हो, लाल कलर ना हो, पीला कलर ना हो, नीला कलर ना हो, नारंगी कलर ना हो तो मज़ा ही नहीं आता होली में। सिर्फ एक कलर में क्या होली खेलनी। तो इन सब कलरों को मिला के जब हम होली खेलते हैं तो उसकी खुशी ही बिल्कुल अलग होती है ना, हर कोई कितना खुश रहता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मोटिवेट कैसे करना चाहता हूँ। ठीक इसी तरीके से आप देखिए, भारत के अंदर जैसे कि मैंने आपको 5-6 कलरों के रंग बताए, वैसे ही भारत के अंदर 5-6 जातियाँ रहती हैं, है ना, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म इत्यादि। तो अगर सिर्फ एक रंग की होली से हम लोगों को मज़ा नहीं आएगा तो सिर्फ ऐसे ही भारत के अंदर सिर्फ एक प्रजाति कैसे पूरे भारत का विकास कर सकती है, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब हम सब मिल जाएंगे ना तो मिलकर देश को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। और देश अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरियां मिलेगी, देश की साक्षरता ऊपर जाएगी, एजुकेशन अच्छा होगा, पूरे विश्व में हमारा नाम होगा और लोग बेरोजगार नहीं होंगे। और मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बताता हूँ होली के सिलसिले में। फिर मैं एक बार कहूँगा आप लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने नहीं कराया तो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। फिर हम आते हैं रंगों के ऊपर कि कभी आपने रंगोली देखी है। अगर आप सिर्फ गुलाबी रंग की रंगोली बना दोगे तो हो सकता है वो इतनी खूबसूरत ना लगे देखने में, लेकिन आप अगर रंगोली में थोड़ा सा हरा रंग, थोड़ा सा गुलाबी रंग, थोड़ा सा पीला रंग, थोड़ा सा सुनहरा रंग, थोड़ा सा गुलाबी रंग अगर आप उसमें डाल दोगे तो वो कितनी खूबसूरत लगती है। ठीक वैसे ही भारत में हम लोग हैं, है ना, थोड़े से मुसलमान, थोड़े से हिंदू, थोड़े से जैन धर्म, थोड़े से बौद्ध धर्म, सब जने मिल जब जाएंगे तो वो हाथ इतने मजबूत हो जाएंगे ना कि अगर 5 जाति के लोग भारत में मिल जाएंगे, जैसे भारत है और 5 जाति के लोग, तो 10 हाथ मिल जाएंगे एक साथ, और एक हाथ की ताकत और 10 हाथ की ताकत में आप अंदाजा लगा लिए कितना फर्क होता है। अगर एक हाथ एक 5 किलो की बाल्टी उठा सकता है तो 10 हाथ 50 किलो उठा सकते हैं। सेम इसी तरह भारत के अंदर अगर हम सब मिलके रहेंगे तो हो सकता है कि पूरी दुनिया में हमारा बोलबाला हो, हमारी चर्चे हो, है ना। तो एक साथ अगर हम रहेंगे तो हम पूरे विश्व के अंदर अपना डंका बजा देंगे। तो मैं फिर आप लोगों को होली की मुबारकबाद देता हूँ और आपसे कहता हूँ, जैसे होली के रंग रंग बिरंगे मिलकर एक बहुत अच्छी रंगोली बना देते हैं और हम एक दूसरे के ऊपर कलर की होली खेल के कितने खुश होते हैं, कोई पीला, कोई लाल, कोई काला, इस तरीके की होली खेलते हैं। ठीक इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम सब अगर मिलकर रहेंगे तो देश में रोजगार भी आएगा, देश में साक्षरता भी आएगी, देश तरक्की भी करेगा, हम लोग कुछ ना कुछ देश में अलग करेंगे, नया करेंगे और देश के भविष्य को बहुत अच्छी राह पर ले जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग किसी की बुराई ना करें, आज होली के त्यौहार पर यह शपथ लें कि हम सब मिलकर देश को आगे लेके जाएंगे,
लोगों की प्रॉब्लम का समाधान करेंगे और खुद भी तरक्की करेंगे। आपका फ्रेंड मोहम्मद अखलाक आपको मोटिवेट करता रहेगा और इस तरीके की वीडियोस लाता रहेगा। तो होली की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में बताएं आपको किस तरीके की वीडियो देखनी है। थैंक यू सो मच।